नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, और सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर कोरोना के बढ़ते कहर के बीच दो राज्यों में आज से वैक्सीनेशन की रफ्तार पर ब्रेक लगने जा रहा है। 18 प्लस लोगों के वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग रहा है। दिल्ली में वैक्सीन की कमी के चलते आज से युवाओं का वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, वैक्सीनेशन केंद्र बंद किए जा रहे हैं। केंद्र ने 18 से 44 आयु वर्ग के लिए दिल्ली को जितनी वैक्सीन भेजी थी वो खत्म हो गई है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द केंद्र से और वैक्सीन उपलब्ध कराने की अपील की है, ताकि एक बार फिर से वैक्सीनेशन को शुरू किया जा सके। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई में भी आज से वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी तरह से ठप होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर भी वैक्सीन की किल्लत है, जिसके चलते अब वैक्सीनेशन आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। कोरोना के इस जंग में जहां पर वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, ऐसे में चिंता बढ़ाने वाली बात।